दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली मुनक नहर बवाना के पास टूट गई। नहर टूटने से कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। मुनक नहर टूटने से नहर का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। नहर टूटने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता राजू राज की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए बीती रात बवाना इलाके में का जो मुनक नहर है वो टूट गया, और ये वो तस्वीर है मुनक नहर की जहां पर नहर का ये हिस्सा टूटा है। हालांकि नहर टूटने की वजह से जो पास का इलाका है, बवाना जेजे कॉलोनी का इलाका है, उस जगह पर काफ़ी पानी घुस गया है, जिसके वजह से आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है, घुटने से ज़्यादा तक पानी घुस रहा है, जिससे लोग अपने अपने सामान लेकर बाहर सड़कों पर पहुंच गए हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से उनके खाने पीने के इंतज़ाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नहर का जो हिस्सा यहाँ पर गिरा है, तमाम जो बच्चे हैं आसपास के बच्चे वो आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो शुरुआती चीज़ों को देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की ये शरारत हो सकती है, जिसके वजह से नहर का ये हिस्सा टूट गया है। हालांकि इसकी जांच की जाएगी कि क्या किसी का साजिश के तहत ये हिस्सा टूटा है या फिर ये अचानक एक हादसा हुआ। हालांकि नहर के जो पानी रोक दिया गया है, और इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाके जैसे द्वारका का इलाका है वहाँ पर आने वाले एक दो दिन में पानी की किल्लत हो सकती है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह से 24 घंटे के अंदर पानी को रिस्टोर कर पानी को बहाल किया जाएगा, ताकि जो पानी की किल्लत ना हो। हालांकि हमने देखा पिछले दिनों में कि दिल्ली में पानी की कितनी किल्लत हुई थी, और मुनक नहर जो है इस पर आरोप लगा के कि हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, लेकिन अब जाके यहाँ पर नहर का ये हिस्सा टूटा है। हालांकि पानी को रोक दिया गया ताकि पानी यहाँ पर ना पहुँचे।